हेलो दोस्तों, आज हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा विंडो ग्लास। यहाँ पर हम नया लेयर ले रहे हैं और इसे नेम दे देते हैं विंडो ग्लास, और इसमें एक कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, सिलेक्ट, और वॉल के जो लेयर को हम हाइड कर देंगे। अब बालकनी वॉल को भी हाइड करना हो तो उसे भी हम हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर 2D वायर फ्रेम में आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, व्यू पकड़ लेना है। व्यू के लिए हम एक काम कर सकते हैं, फ्रंट व्यू में जाके फिर आइसोमेट्रिक व्यू में आ सकते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल्स क्रिएट कर देंगे। जितने भी इस व्यू में हमारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं उतना हम क्रिएट कर देंगे, और फिर एक साथ हम इसे एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हैं। ओके, जो भी इनर साइड है, इनर साइड में हम रेक्टेंगल्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये हो गए इस साइड के, और इस साइड का भी हम कोशिश करते हैं अगर इस व्यू में बन जाता है। नहीं बनेगा क्योंकि व्यू चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट व्यू लेते हैं और फिर हम इसे, हम यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ओके, फिर अगेन टॉप में आके फिर मैं आइसोमेट्री में आता हूँ। ओके, अब एक साथ हम सारे को सिलेक्ट करेंगे जो कि इस डायरेक्शन पे है, और इसे एक्सट्रूड कर देंगे 0.5 इंच। ओके, और सिमिलरली इसे भी हम एक्सट्रूड कर देंगे इस साइड 0.5 इंच, और फिर मूव कर देंगे। ओके, मूव करते वक्त ध्यान रखना है कि हमारा जो विंडो फ्रेम है इसे हम लॉक रखें, वरना मूव में वो भी साथ में मूव हो जाएगा। ओके, इसे सेंटर लेके सेंटर पे मूव कर देंगे, और बाकी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सिलेक्ट होने के बाद एंटर करेंगे, और फ्रेम का जो सेंटर है इसे सेंटर पकड़ के, सॉरी, ग्लास के सेंटर को पकड़ के फ्रेम के सेंटर पे रख देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और रियलिस्टिक में कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमारा जो है विंडो फ्रेम भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा फ्लोर का। ओके, फ्लोर के लिए हम यहाँ पर सिंपली चले जाते हैं वायर फ्रेम में और बॉटम व्यू में, और एक और नया लेयर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं फ्लोर के, और यहाँ पर बेस, यहाँ पर एक बेस कलर ले लेते हैं। ओके, बाकी के लेयर्स को हम लॉक कर देंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। अब हम लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन के जगह अगर हमें पॉली लाइन लेना हो तो हम वो भी ले सकते हैं।
ओके, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं सारे बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये बॉर्डर सारे सिलेक्ट हो गए, एंटर कर दिया। अब टॉप में जाके फिर आइसोमेट्री में जाएंगे। अब यहाँ पे बॉटम में बना हुआ था, हमने बनाया था तो बॉटम में ही बना है, और इसे एक्सट्रूड दे देंगे 4 इंच का। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू में हम इसे देख सकते हैं। रियलिस्टिक में देखना हो तो इसमें भी हम देख सकते हैं। हमारा फ्लोर के साथ पूरा कंप्लीट फ्लैट कंप्लीटेड है। अब डोर्स बाकी, डोर बट हम इसमें नहीं बनाएंगे, डोर हम जब इसे एक्सपोर्ट करेंगे 3ds Max में तब क्रिएट करेंगे। तो हमारा फ्लोर और विंडो ग्लास रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे डायग्राम को। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।